Hello friends, dear students. Now we have a topic that is dielectric substance. Last topic जो आपका जो था वो electric potential और electric potential energy पर based था. आज का जो आपका topic है that is dielectric substance. Dielectric substance क्या होते हैं? हमने बहुत सारे materials पढ़े हैं, जैसे हमने मेटल्स पढ़े विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इंसुलेटर्स हमने पढ़े विच डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स हमने पढ़े, इट्स कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, उसकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स के बीच में. तो ये हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है ये एक स्पेशल केस है किसका, इंसुलेटर्स का ही. समझे आप? इसमें हमारे पास क्या होता है, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में एक ऐसा मटेरियल होता है विच डोंट कंडक्ट, जो कंडक्ट नहीं करता है, बट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन दिस मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल में सेटअप हो जाता है. किस में? इस मटेरियल में, जिस मटेरियल को क्या कहा जाता है, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है. तो वही यहां पर लिखा है मैंने, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, दीज आर द मटेरियल्स विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करता है ये मटेरियल, विदाउट कंडक्टिंग, कंडक्ट नहीं करता है, ट्रांसफर इसके इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है. हमारे पास वो कंडक्ट नहीं करता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन दिस मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल में सेटअप हो जाता है. व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब भी हम इस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाता है, उस मटेरियल में, उस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में सेटअप हो जाता है, और वहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, जब भी हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बनती है, जो सेटअप हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है जब भी हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालते हैं. तो हम सिंपल में कहेंगे, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है विच डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट. You can say that the electric field is set up in a dielectric substance. Electric field set up हो जाता है इस dielectric substance में. तो examples आपके पास मैंने दी है, जैसे glass है, mica है, air है हमारे पास जो है, these are the examples of dielectric substance. ये dielectric substance जो हमारे पास होते हैं ये दो types के होते हैं. One is polar dielectric substance and another is नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस. तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम पोलर और नॉन पोलर पर जाएंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा इसमें. जैसे हमारे पास ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है. यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है हमारे पास. अगर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालेंगे, हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को, एक हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें अगर हम किसको इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर रखेंगे हम, तो यहां पर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इट इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ये बना होगा एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है, एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है, बना हुआ होगा. तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे एक हमारे पास एक एटम है, वो एटम्स क्या हो जाते हैं, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं.
ये एटम्स जो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये पोलराइज हो जाते हैं। कैसे पोलराइज हो जाते हैं, हो जाएंगे, पहले हमारे पास ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ये रैंडम शेप में होते हैं, रैंडम फॉर्म में होते हैं। जो ही हम इस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमारे पास इन एटम्स में क्या हो जाते हैं, ये एटम्स अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एक स्ट्रेट पाथ पर आ जाते हैं, इन पर टॉर्क एक्ट करता है और वो एक स्ट्रेट पाथ पर आ जाते हैं। कैसे हमारे पास, जैसे ये एक मॉलिक्यूल या एटम ले रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। जैसे नेगेटिव इस साइड पर आ जाएंगे, नेगेटिव 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 और पॉजिटिव इस साइड पर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इनको, पोलराइजेशन। वही बात यहां पर भी, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो पॉजिटिव इस साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाता है, यहां पर हमारे पास जो है, जब भी हम एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस टाइप की पोलराइजेशन हो जाती है। नेगेटिव चार्ज एक साइड पर आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर आ जाते हैं। तो हमारे पास जो इनर फेस में हमारे पास जो हमारे पास डायरेक्ट सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास होंगे ये चार्जेस जो हमारे पास हैं, जो यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायरेक्ट सब्सटेंस के इनसाइड है, अंदर है, ये क्या हो जाते हैं, ये अपने अपने इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसके आउटर फेस पर, एक फेस पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, किस पर, इस डायरेक्ट सब्सटेंस के एक फेस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और दूसरे फेस पर हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेंगे। क्लियर आपको? तो अगर एक फेस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, दूसरे फेस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज, तो इनमें, इस डायरेक्टिक सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा जाता है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये एटम्स जो होते हैं या हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये पोलराइज हो जाते हैं। तो देखिए, एक फेस, ये फेस पॉजिटिव हो जाएगा, ये फेस नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आप वो, उसको हम ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, इस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में सेटअप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस की पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसे है, और यहां पर हमारे पास जो इसमें डायरेक्ट सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा वो इसके अपोजिट में सेटअप हो जाएगा। तो जब इसके अपोजिट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा आपको कि डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जब भी हम एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किस में रखते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगी इसकी डायरेक्शन। तो क्या होगा, आप अगर हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेट्स के बीच में होगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, अगर हमारे पास यहां से यहां के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास कितनी है, हम कहेंगे 10 न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इन अ डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डायलेक्ट्रिक स्लैब हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा वो इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कहेंगे ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप कर रहा है, दैट इज 3 न्यूटन पर कूलम। तो अब अगर आपको बोला जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्चुअली हमारे पास टोटल कितनी थी, 10 न्यूटन थी। हमारे पास जो हमारे पास डायलेक्ट्रिक स्लैब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा है वो कितनी सेटअप कर रहा है, 3 न्यूटन। तो टोटल कितनी रहेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 10-3, क्योंकि ये जो हमारे पास जो डायरेक्ट स्लैब अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप करता है वो इसके अपोजिट में सेटअप करता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो है ये 3
न्यूटन पर कूलम जो है वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी रहेगी हमारे पास इन दो प्लेट्स के बीच में, दैट इज 7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो रहा आपको, 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स व्हेन डायरेक्ट स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। समझे आप, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर तो ये इस पर मैंने डिस्कस नहीं करनी थी, यहां पर तो मैंने सिर्फ आपको ये बोलना था कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, कैसा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। समझे आप, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो एग्जांपल्स मैंने दे दी। इसके बाद अब हम जाएंगे इसकी टाइप्स पर। सबसे पहला टाइप जो हमारे पास है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस होता है? दीज आर द सब्सटेंस मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं, हालांकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ही होते हैं, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर एटम से बने होते हैं। अब अगर आपको पूछा जाएगा पोलर एटम्स या पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन पोलर मॉलिक्यूल्स आर एटम्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डोंट कोइंसाइड विद ईच अदर्स। इनमें क्या होता है, जैसे अभी मैं यहां पर कहूंगा, मैं पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, एक एग्जांपल ले लूंगा मैं, जैसे NaCl या HCl है हमारे पास है, H ये हमारे पास है, Cl ये हमारे पास है, H पर चार्ज पॉजिटिव, Cl पर चार्ज नेगेटिव। अगर हमारे पास जो है H, हमारे पास जो है H का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर होगा। Cl का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर होगा। अब देखिए इनके दो सेंटर्स के बीच में, इन दो चार्जेस के सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, समझा। इसका मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, देयर इज सम सेपरेशन, डिस्टेंस है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है, तो उसी को कहा जाता है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दे डोंट कोइंसाइड विद ईच अदर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोइंसाइड नहीं करते हैं, जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में हमारे पास जो है डिस्टेंस होता है, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, जब डिस्टेंस होगा तो हम उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, हम उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो आपको, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, एक मॉलिक्यूल्स के सेंटर हमारे पास, देखिए यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, मैं एच के सेंटर से लेकर सीएल के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस है, समझे आप। तो जब हमारे पास वहां पर डिस्टेंस होता है, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, वो मिलकर नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस है, वो मिले हुए नहीं है, पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मिले हुए नहीं है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो उनको कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल से, इस टाइप के मॉलिक्यूल से अगर हमारा एक डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस बना हुआ होगा, ऐसे मॉलिक्यूल से, तो उन मॉलिक्यूल्स, उन सब्सटेंस को, उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज पोलर डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस। जैसे NaCl है, HCl है, देखिए हमारे पास यहां पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब यहां पर अगर आपको बोला जाएगा डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है, देयर इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यहां पर हमारे पास क्या होता है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, किसमें, पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सीएल पर चार्ज नेगेटिव है, एच पर चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास इस पर, इस मॉलिक्यूल्स पर हमारे पास डाइपोल मोमेंट है। क्लियर हो रहा है आपको, तो इस टाइप्स के सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, दैट इज पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसके बाद आता है आपके पास नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, तो देखिए ये भी आपको इजी है,
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहें हम दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे सब्सटेंस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ऐसा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम से बना हुआ होगा। क्लियर आपको? इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। जैसे हमारे पास एग्जांपल दूंगा आपको मैं, कार्बन CO2 नाइट्रोजन है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी मैंने किसकी, दैट इज पोलर नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस भी आप कह सकते हो। डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस हमारे पास है, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। अब अगर आपको पूछा जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या होते हैं, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दी। अभी देखो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अब देखो इसमें हमारे पास सी ले रहा हूं मैं, ओ यहां पर है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 ही है, तो ये इसका हमारे पास क्या है, ये इसकी शेप है किसकी, हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। तो देखिए यहां पर अगर आपको बोला जाएगा सी पर चार्ज पॉजिटिव, ओ पर भी चार्ज नेगेटिव, इस ओ पर भी चार्ज नेगेटिव है, अगर इन दो ओ ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा मैं, तो इन दो ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहीं पर होगा जहां पर हमारे पास जो है वो कार्बन है, कार्बन पर ही होगा। क्लियर आपको? तो सेंटर ऑफ मास इन दो ऑक्सीजन का जो होता है वो आपको पता है सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होता है। अगर हमारे पास एक और हमारे पास ऑक्सीजन कहां पर है, अगर मैं कहूंगा एक ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन यहां पर है, तो इन दो ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बिल्कुल बीच में होगा। वही बात है, इन दो ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, जहां पर हमारा कार्बन है, तो कार्बन का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है, कार्बन तो एक ही है, उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, इन दो ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास वहीं पर है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहा अब आपका, और पॉजिटिव चार्ज का तो वहीं पर है ही, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, वो कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के, बिल्कुल वहां पर कोई डिस्टेंस नहीं है, यहां पर कोई आपको डिस्टेंस नहीं मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं। तो इस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर आपको? तो जब इस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स से या एटम से हमारे पास एक सब्सटेंस बना हुआ होगा, तो उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्लियर आपको? तो ये मैंने आपको बोले
डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है और कुछ उसकी टाइप्स बोली। अब अगर आपको बोला जाएगा इसका काम क्या होता है, इस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम एक कैपेसिटर में रखते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ये इसकी एप्लीकेशन है, यूज है कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो आपको पता ही है कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए से आप चार्ज को स्टोर करके रखते हो आप। तो जब भी हम कैपेसिटर्स के बीच में कैपेसिटर्स में इस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस का यूज करते हैं हम, तो हमारे पास क्या होता है यहां पर उसकी कैपेसिटी जो होती है हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्लियर आपको? अब देखो यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं एक चीज आपको बोलूंगा यहां पर मैं, डाइपोल मोमेंट यहां पर है कि नहीं, यहां पर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। कैसे जीरो होता है? अब देखो कैसे जीरो होता है, आपको पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां पर अगर हम बोलेंगे इस ऑक्सीजन और कार्बन की, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, वहां की तरफ, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। यहां पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, तो क्या होगी, यहां की तरफ होगी। देखिए यहां पर आपको दो डाइपोल मोमेंट्स मिल रहे हैं, बोथ आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों क्या है अपोजिट इन डायरेक्शन में। सो नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या मिलेगा, इस वजह से बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। इस वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर ये प्लस पी है ये होगा हमारे पास माइनस पी, प्लस पी और माइनस पी जीरो हो जाता है, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास जो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये था हमारे पास डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।